मेरे भाई मेरे दोस्त, मार्केट में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो सेशन खेलना मौत का कुआं कहते हैं, बुकी का जाल कहते हैं। आपको भी पता है सट्टा ही दुनिया का बुकी का जाल है, लेकिन इस जाल को एक तोड़ है, वो है पेशेंस। और दुनिया का दस्तूर है मेरे भाई, जो पेशेंस रखा वही दुनिया को जीता, उसी को सक्सेस मिला, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। इस जाल का दूसरा भी तोड़ है चीजों का सटीक इन्फॉर्मेशन और सॉलिड कैलकुलेशन, जिसे आप बुकी को मात दे सकते हैं। और जैसे मैंने पिछले 14 सालों में बुकी को मात देता आ रहा हूं, और इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आपको 7 ट्रिक्स दूंगा ताकि आप सेशन को क्रैक कर सको, और ये ट्रिक्स 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस का है, जो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं आप ढूंढोगे किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। तो वीडियो को 1 सेकंड मिस भी मत करना, और ये 7 ट्रिक्स जानने के बाद आप सेशन में कभी लॉस में नहीं जाओगे। तो 7 ट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो 7 ट्रिक एक दूसरे से जुड़े हुए है, एक भी ट्रिक्स मिस मत करना। और उसके बाद अब हर पंटर जीतेगा सेशन में, सबसे पहले तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना भाई मेरे, मेरा टेलीग्राम पे एक बार जुड़ के काम देखना, सॉलिड और काम दिया जाता है सेशन का। बाकी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, किसी प्रकार का डाउट हो, सेशन चाहिए, आपको मैथ से रिलेटेड इंक्वायरी हो, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैं दे चुका हूं और फर्स्ट कमेंट में। अब हम बात करेंगे, इससे पहले हम जान ले, जो नए हैं जो सेशन के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं। तो सेशन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं जो नहीं जानते हैं सेशन के बारे में उनको, थोड़ा जानना भी जरूरी है सेशन क्या होता है। देखो T20 में स्टैंडर्ड सेशन जो कि आते हैं 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर और 20 ओवर, ये फर्स्ट इनिंग के सेशन होते हैं, और सेकेंड इनिंग में 6 ओवर होते हैं। अब देखो 6 ओवर में क्या होता है, क्या चलता है आपको 6 ओवर में, 43 नॉट, ये बुकी का नंबर होता है, और 44 यस, ये आपको करना रहता है जीतने के लिए। तो 43 अगर नॉट करते हो तो आपको 42 पास होना जरूरी है, जो कि 43 बुकी का नंबर होता है, और 42 पास हो गए तभी आप जीतोगे। वही 44 में, 44 यस में अगर 44 पास हो जाता है तो आप जीत जाओगे। तो ये हुआ, वैसे ही 10 ओवर में सेम चलता है अलग नंबर पे, और 15 ओवर और लंबी। वैसे ही आपको सबसे पहले बता दूं सेशन के लिए लिमिट कैसे बनाओगे। देखो सेशन के लिए लिमिट अलग रखना सीखो पहले तो भाई मेरे, और मैच की लिमिट सेशन में मिक्स मत करो। जैसे जैसे आपकी मैच की लिमिट 1 पेटी है, यानी कि 1 लाख है, तो 60 से 70% भाई मेरे एक साइड कर दो मैच के लिए, 30 से 40% आप एक साइड कर लो सेशन के लिए, वो भी 30 से 40% जो कि सेशन के लिए रखोगे। एक सेशन एक लिमिट से नहीं खेलोगे, यानी 30-40% का पूरा यूज नहीं करोगे एक सेशन के लिए। इसमें भी आपको 3-4 पार्ट में डिवाइड करना है, 3-4 पार्ट में डिवाइड करके जैसे आप 30-30 हजार या 40 हजार अलग किए, तो उसको 10-10 हजार से 3-4 हजार 3-4 लिमिट में डिवाइड कर लोगे। भाई मेरे यहाँ पे 7 ट्रिक्स जो देने वाला हूँ, अपना दिमाग खोल के सुनना और कुछ भी मिस मत करना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। पहला तो होता है टारगेट और सेशन का रिलेशन, टारगेट और सेशन का रिलेशन जिसने समझ लिया वो समझो बड़ा विन किया। जैसे कि कोई टीम टॉस करके बैटिंग कर रही है और एक वो टारगेट बनाती है जिससे ग्राउंड पे क्या रन रेट मेंटेन करना रहता है उसको सब मालूम, सब पहले से तय करके आती है, जैसे 6 ओवर में कितना स्कोर करना है, फाइनल टारगेट क्या रहेगा, ये सब माइंड में टीम सेट करके आती है। और इनिंग ब्रेक में तो दोस्तों आपने अक्सर देखते हैं कि इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि हम 10-20 रन शॉर्ट रह गए हैं या अच्छा स्कोर है, हम डिफेंड कर लेंगे, ये सब चीजें बोलते हैं। तो ये सब रीड करना मैच से पहले, एक एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है जिसको लंबा एक्सपीरियंस हो, और जिसको आपको ये पता चलता है कि टीम मिनिमम इतना रन मारेगी और आपको उस मिनिमम रन का इंतजार करना है सेशन के लिए। और जनरली एक रन रेट मेंटेन करना होता है सेशन में बॉलिंग और बैटिंग की तरफ से। और दोस्तों इस ट्रिक के लिए, इस ट्रिक को तोड़ है, अगर आपको सेशन 48-49 जैसे ओपन होता है तो आपको 6 रन डाउन मिलेगा तो सेशन यस करना है, वही 6 से 7 रन अप मिलेगा तो सेशन नॉट करना है। दूसरा दोस्तों भाई मेरे, पिच एक्यूरेटर और बुकी का रिलेशन। बुकी अपने अकॉर्डिंग सेशन चलाता है, ये मत समझना कि सेशन कुछ भी ओपन होता है। जैसे पिच रिपोर्ट पे बुकी को ऑलरेडी पहले से ही पिच रिपोर्ट का मालूम रहता है, जो कि उसको पिच एक्यूरेटर ही रिपोर्ट देता है या इसकी अपडेट देता है पिच की। तो दोस्तों जैसे 6 ओवर का आइडियल सेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि 42-43 नॉर्मली हर मैच में खुलते हैं, लेकिन अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली पिच हो तो बैटिंग के लिए आइडियल हो, तो वहां पे आपको सेशन अप होते हुए 5-6 रन ऊपर दिखेगा ओपनिंग में ही, जैसे 47-48 दिखेगा। वही अगर पिच बॉलिंग फ्रेंडली हो तो क्या होगा, आपको 39-40 4-5 रन नीचे दिखेगा ओपन होते हुए।
तो दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका है, ट्रिक्स है कि आपको यहाँ पे एटलीस्ट 8 से 9 बॉल, एटलीस्ट 2 ओवर तो मिनिमम आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है भाई मेरे। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पिच बॉलिंग फ्रेंडली है और या फिर पिच बॉलिंग फ्रेंडली है या फिर बैटिंग फ्रेंडली है, जिसके आप सेशन यस और नॉट कर सकते हो। भाइयों यस और पंटर का रिलेशन तीसरा पॉइंट है, और दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा पंटर गलत करता है, अगर गलती करता है और गलती से खेलता है। एक मिनट के लिए खुद से एनालिसिस करो, खुद से एक बार सोच के देखो कि सेशन खेलते समय आपने कितने बार यस और कितने बार नॉट किया होगा। आप पाओगे भाई मेरे कि 70 से 80% आप सेशन यस करते हो और इसी में हारते हो। ऐसा क्यों? आप सेशन यस करते हो और हारते हो तो क्योंकि इंडिया के लोगों को लगता है कि सिर्फ बैट्समैन का होता है मैच, जो कि T20 हो रहा है सिर्फ बैट्समैन का हो रहा है। ऐसा नहीं होता, ये सब गलत परसेप्शन है और ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। जैसे जितना रोहित शर्मा या विराट कोहली का इंपॉर्टेंट है बैटिंग में, उतना ही इंपॉर्टेंट अगर भुवनेश्वर कुमार बॉल डाल रहा है उनको या फिर मोहम्मद शमी बॉल डाल रहा है उनका भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा गलती आप 10 ओवर और 15 ओवर में ये गलती आप करते हो यस वाला। और यस इसका सबसे अच्छा ट्रिक है, सबसे पहले तो 10 ओवर और 15 ओवर का जितना अपर लिमिट जाए उसका इंतजार करना है, आपको वहां पे नॉट करना है और 80% सेशन ये 10 और 15 ओवर नॉट करोगे आपको 80% नॉट होगा और आप जीतोगे। हमारा नेक्स्ट है सेशन खेलने की चुल। पंटर को हमेशा ओपनिंग सेशन आंख पे जुए की पट्टी बांध के खेलने की आदत है, सिंपल वर्ड में बोलो तो पंटर का पेशेंस नहीं होना। पंटर अर्ली एंट्री बहुत करता है, जैसे मैच स्टार्ट होता है बिना सोचे समझे यस नॉट करेगा, जबकि उसे ये भी नहीं मालूम ग्राउंड कैसा है, पिच रिपोर्ट कैसा है, पिच कैसा बिहेव करता है। तो दोस्तों सेशन खेलने का ट्रिक्स है इसका, तो सेशन खेलने से पहले आपको पिच रिपोर्ट, ग्राउंड का साइज, क्योंकि सेशन पे ये बहुत डिपेंड करता है सेशन के लिए, पिच रिपोर्ट ग्राउंड का बैटिंग फ्रेंडली है, बॉलिंग फ्रेंडली है, स्पिन फ्रेंडली है या फिर पेस फ्रेंडली है, पिच पे जो कि ग्राउंड है ड्यू आने वाला है, आउटफील्ड स्लो है या फास्ट है, ये सारी अपडेट हमारे डेली वीडियो चैनल पे आते रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी वीडियो से अपडेट ले सकते हो इस चीजों की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट लंबी खेलने वाले भाई, तो लंबी खेलने वाले भाई मेरे सबसे पहले बता दो, कुछ पंडा ऐसे होते हैं जो कि 6 ओवर 10 ओवर 15 ओवर इनको इन सब सेशन से मतलब ही नहीं है, वो तो सबसे पहले लंबी खेलते हैं, ब्लाइंडली लंबी खेलते हैं। और ये सोचो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 80% टाइम वो इस 80% टाइम वो लंबी में हारते हैं, यानी कि सिंपल वर्ड में 10 में से 8 मैच में वो हारेंगे, सिर्फ 2 मैच में ही जीतेंगे। तो सबसे अच्छा है लंबी खेलने का ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, लंबी खेलने वाले भाई 12 ओवर के बाद ही लंबी में एंट्री ले, 12 ओवर के पहले कभी भी एंट्री ना ले। आइडियल लंबी का टाइम भी 17 ओवर का होता है, अगर आप आइडियल लंबी में एंट्री लोगे तो 17 ओवर तक वेट करो। हर एक लंबी मेरे टेलीग्राम पे आता है, वहां पे हर मैच में अपडेट दिया जाता है जिसका एक्यूरेसी 100% है, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में, हमारे टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कीजिए। छठा हमारा पॉइंट है चेन स्मोकर ऑब्सेशन। चेन स्मोकर ऑब्सेशन आप समझ रहे होंगे चेन स्मोकर मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे सेशन की लत लगती है तो सेशन एक सेशन जैसे 49 मिला पंटर ने ओपनिंग सेशन यस किया, विकेट गया तुरंत 46 मिला यस किया, फिर विकेट गया 43 मिला यस किया, यानी कि जैसे विकेट जा रहा है सेशन यस करेगा। 2 विकेट के बाद रन रेट 6 है 4 ओवर में, 24 पे 2 विकेट ऑलरेडी गेट चुका है 4 ओवर में, और फिर यहां पे अगर सेशन 41 मिलता है तो उसे भी यस करता है। और जैसे जैसे ये सिगरेट की लत होती है ना, सिगरेट की लत जैसे सिगरेट खत्म नहीं होता दूसरी सिगरेट में सिगरेट उसको चाहिए, वैसे ही सेशन जैसे खत्म नहीं होता उसको दूसरी सेशन यस करने की चुल मची होती है, वो सोचता है आज मैं रहूंगा या सेशन रहेगा, और मैच का लिमिट खत्म कर देता है 6 ओवर में ही, उसका मैच का भी लिमिट खत्म हो जाता है, पूरा बैठे रहता है। तो भाई मेरे आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ऐसे खेलना नहीं है, आपको क्या करना है एक एंट्री करना है जैसे 46 एक 6 ओवर के सेशन में 46 यस किया, और दूसरा एंट्री मिनिमम 5-6 रन डाउन जाने के बाद ही यस पे लेना है, उसके बाद कोई एंट्री नहीं लेना। आप देखोगे आप इक्वल रहोगे या प्रॉफिट में रहोगे। ये रही
चेन स्मोकर की लत छोड़ने वाली सेशन में चेन स्मोकर की लत छोड़ने वाली। बाकी बुकी का सेशन जो कि आपको बुकी का ऐसे सेशन होता है कुछ ऐसे नंबर फंसता है इसमें सबसे कम फ्लैक्चुएट होते रहता है वो है 10 ओवर का। जैसे 10 ओवर का सेशन 67-68 आपको मिला लेकिन फिर एक बॉल के बाद 66-67 फिर आपको एक चौका आया तो फिर 69-70 बस इसी के अराउंड घूमते रहता है 10 ओवर का इन T20 में। जब भी ऐसा अगर आपको देखने को मिले आपको स्किप करना है, ये सब सेशन बुकी नंबर होते हैं आपको स्किप करना है। कुछ सेशन लॉस से भी बचाने के लिए होते हैं इसलिए इसको स्किप करना भी जरूरी रहता है। अब जो भाई ये 7 पॉइंट तो मैंने बता दिया, अब जो भाई लास्ट तक बने रहे उनके लिए कुछ बोनस पॉइंट है जिसको बोनस पॉइंट आपको बहुत बहुत आपको यूजफुल होगा, बहुत आपको प्रॉफिटेबल होगा। तो लास्ट तक बने हैं उनके लिए सबसे पहले बता दूं, फेवरेट प्लेयर पे सेशन कभी मत खेलना। फेवरेट प्लेयर पे जैसे रोहित शर्मा कोहली खेल रहा हो तो आप पता है आप इनके फेवरेट प्लेयर है, आपके फेवरेट प्लेयर है और सेशन आप यस करते जाओगे। जैसे बॉलर भी आपको सामी बॉलिंग करा रहा है उस ओवर में तो उस ओवर को अगर फेवरेट है तो उसको आपको मतलब संभल के बैठना है, चुपचाप बैठना है, कुछ नहीं करना है। ओवरकास्ट वेडर वाले सेशन भी आपको अवॉइड करना है, इसको स्किप करना है, आपको खेलना नहीं है। जैसे ओवरकास्ट वेदर में क्या होता है जनरली कि आप सेशन कुछ ओवर रिड्यूस हो जाता है, जैसे सेशन पे इफेक्ट पड़ते रहता है, आप नोट करोगे पता चला वो यस हो जाता है, तो ये सब अवॉइड करके चलना है। जब भी नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बोनस पॉइंट है, जब भी 7-8 रन का डिफरेंस मिले डब्बी बनाओ, डब्बी बनाना सीखो। और डब्बी कैसे बनाता है, जैसे आपने 46 यस किया 6 ओवर का सेशन, फिर ऊपर गया 51-52 मिला तो आपने नॉट किया, ये एक सेफ खेलने का तरीका है और हमेशा प्रॉफिट में रहने का और सेफ रहने का तरीका है। तो भाई मेरे वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपको जबरदस्त यहाँ पे दिया हूँ, आपको मार्केट में ऐसा कोई नई ट्रिक देगा। और सबसे पहले बड़ी बात कि आप मेरे टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन होना, वहां पे सेशन से रिलेटेड अपडेट करूंगा, बहुत सारे ऐसे चीजें अभी बहुत ही चीज बताने वाला हूँ, तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना। बाकी व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेना, ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको मैच में किसी का डाउट हो, इंक्वायरी हो, आप मुझे जरूर कॉन्टेक्ट कर लेना। तो दोस्तों भाइयों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, वीडियो को जरूर लाइक करना, अच्छा लगा।